लोगों को जिस चीज की जरूरत हो हमसे कहना, वो जरूरत पूरी होगी। और कोई भी इस राज रियासत में हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर इस राज रियासत में कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा, जिस जमीन पे आप लोग बैठे हो वो जमीन खोदवा के नरेगा ताल बनवा देंगे, आप लोग बैठने को तरस जाएंगे। ये तख्तपुर की जनता, तख्तपुर की जनता मांगे मुझसे खैर, अब पत्ता हिल सकता नहीं भवानी सिंह के बगैर। हम चल रहे हैं, ए प्याजे वालो तुम लोग सुन लो, ये अपना अंगाड़ा नगाड़ा बंद करो, अपना बाजा साजा बंद करो, कोई काम नहीं मिलता है, रात भर झाले किलबिल किलबिल करते हो तुम लोग, किसी को सोने नहीं देते हो, सब बंद करो, हमारे साथ हवेली में चलो, तुम्हारे लोगों की नौकरी लगवा देंगे। छटुआ हमारे सारे छटुआ, फोकट की तनख्वाह लेता है कहा? अरे मंत्री साहब ये पहले बताओ, महाराज ने तुमको मंत्री तो बना दिया और हमका सेनापति कब बनाई है? अबे सेनापति बनेगा अभी तेरी उम्र नहीं है, अबे पहले ये बता तू था कहाँ पे? कहाँ पे था? अरे मंत्री साहब हम तो अति गेट पे ड्यूटी दे रहे थे। साले गेट पे ड्यूटी दे रहे थे कि साले मेकअप रूम में साले लंबे लंबे लेटे थे? अरे झूठ बोला हराम जा। साले रुको, ए ऐसी मौत मारूंगा साले पैदाइश भूल जाएगा। अच्छा अब याद, चल हमारे साथ कहाँ? महारानी के कच्छ रूम में आओ, महाराज गए हैं। ठीक है। और नायक नहीं खल नायक हूँ मैं, नायक नहीं खल नायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा नायक हूँ मैं, मैं भी सराफत से जीता मगर, मैं भी सराफत से जीता मगर, मुझको शरीफों से लगता था डर, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यासी है, मेरी प्यासी है। करूं भगवान क्या करूं क्या न करूं, कि दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है, केवल इस राजमहल में केवल अकेली में बची मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? महारानी जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि तख्तपुर राज रियासत में तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है? कौन है? कोई नहीं है मदद करने मदद वाला करने वाला केवल भगवान है इसके सहारे में।
भगवान नहीं बल्कि इंसान है। बताऊं कि वो है कौन? बताइए वो है कौन जो मेरी मदद करेगा? भगवान के सिवा मदद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम बता रहे हैं कि वो कौन मदद करने वाला है। तो जिंदगी भर मनावो उत्साह जिलाही तुम जिंदगी भर के तेरा सजन आएगा ना इलाही वो मेरे सामने मानो मेरी बचन मानो दूर से बात करे अरे पापी अधम दूर से वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा दिल जले कोई इस तरह और जला वो नहीं ऐसे कहते हुए शर्म मंत्री कमीने तू मेरे टुकड़े में पलने वाला आज मुझे गालियां दे रहा है तुझे शर्म आना चाहिए कमीने अरे शर्म अरे किस बात की शर्म हो यही तो पता नहीं बता दो दिल थाम के यस यस भवानी प्रताप सिंह महाराज कहते हैं जो करे शर्म उसका फूट जाए महारानी जी ये सोचो कि हमरा दिल है जो तुम्हारे ऊपर आ गया है अच्छा और ये सोचो कि तुम्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत मुझे है तेरी मदद नहीं चाहिए जो कुछ कहना है महाराज यहां चले जाओ महारानी क्या है ये समझो अरे ये समझो कि आज से हम तेरे भगवान हैं अरे आज से हम तेरे भगवान हैं और तू हमारी भगवानी है आज से हम तेरे खुदा हैं और तू हमारी खुदानी है मंत्री तेरा सोचना सब गलत है आप भगवान बनने की इच्छा में हैं, आप महाराज बनेंगे लेकिन सब तेरा सोचना सब गलत महारानी जी क्या है हमने कहा क्या कहा और तुमने सुना मैं सुन रही हूँ अगर तुमने मेरी बात को इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्या करोगे क्या करूंगा हाँ क्या करोगे यश यश भवानी प्रताप सिंह हाँ, महारानी को अच्छी तरह से समझा दो अच्छा ठीक है कि ठाकुर कितना भी सीधा हो पर हंसिया की नोकिया भर टेढ़ा ही होता है समझा इन्हें क्यों महारानी जी अरे तुम कह रही हो कि महाराज बनने का सपना और ये सोचना गलत है यूं समझ लो कि ये महाराज बन चुके हैं हम यहाँ के महामंत्री पहचाना महारानी जी पाए लागू तो मेरे पाँव लागेगा क्यों क्यों अरे तू भी इसके कहने से तू भी ऐसा काम कर लिया अरे अपने आप मंत्री बन गए वो महाराज बन गए हाँ, हाँ। क्योंकि मैं इस राजमहल में भी जिंदा हूँ मैं मर नहीं गई हूँ देखो लेकिन मेरे जिंदा
जब तक मैं जीवित रहूंगी ये रात न तेरे हाथ लगेगी ना इस कमीनी का हाथ। देखो महारानी जी, भलाई इसी में है कि महाराज की बात को मान लो। और देखो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं, कहां जाओगी? क्या मेरी जिंदगी संवर जाएगी? कौन सुधारेगा? यस यस भवानी प्रताप सिंह, उठाओ मेरी शमशीर को। महारानी जी इसे देख रही हो, जिस पे तुझे बहुत घमंड है, अपने इस जवानी पर बहुत घमंड है, क्यों रे? कि नहीं तो तू मददगार अपना ये बुला ले, ये भी तू मददगार अपना। चिले आ रहा आएगा ना मदद को अब तुम्हारे कोई आया जो सीधा मुल के आईने में देख जरा अपनी शकल आईने में। प्यार तुझसे करूं कभी होगा नहीं, माँ बहन बेटी राजी तेरी हो जाएंगी, जाके उनके संग में लूटो। महारानी क्या है, अगर मेरी बहन बेटी का नाम लिया तो इसी जगह फाड़ कर रख दूंगा। हम तुझे 5 मिनट का टाइम देते हैं, सोच कर मेरे प्रश्न का जवाब देना। अगर इनकार किया तो सोच ले कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भानी प्रताप सिंह, ठीक है आप जाइए, चलो मुझे 5 मिनट का आप मोहलत दीजिए, मैं सोच के खुद बताऊंगी। सिर्फ 5 मिनट की मोहलत मिल रही है महारानी जी, और यहाँ पे इस राज हवेली में तुम अकेली हो, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई भगवान कोई प्रभु कोई परमात्मा कोई नहीं बचाने आएगा। अगर भगवान यहाँ पे आ भी गए बचाने के लिए तो हम अगरबत्ती सुलगा के फिर मंदिर में भेज देंगे। 5 मिनट में सोच के बताओ क्या फैसला है। क्या बताए भगवान, ये कमीनों ने मुझसे क्या कह के करके कि 5 मिनट मुझे सोच कर बताओ, मैं क्या कर दूं भगवान, मैं क्या करूं, किस तरह कमीने से अपनी इज्जत बचाऊं। ठीक है मैं इससे झूठा प्यार करूंगी और किसी तरह इससे मौका निकालूंगी, ये रात छोड़कर इतनी दूर चली जाऊंगी ताकि मैं कभी लौट कर इस राज में नहीं आऊंगी। क्या करूं, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी।
सब कुछ मंजूर है, आप जैसा सोचा वैसा हो गया। आप यहाँ के महाराज और मैं यहाँ की महारानी, आप यहाँ के भगवान हो गए और मैं यहाँ की भगवानी हो गई हूँ। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और शीश पे जुल्म ढाबे सहारा किया सच बता किसने मारा हमारा पिया। प्यार करने को तुमसे मैं तैयार हूँ, और कोई तुम जैसा मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन आप मुझे सहारा दिया है। लेकिन मुझे बताइए, यहाँ के महाराज का खून किसने किया है, भला मैं भी तो जानूं। यस यस हरी प्रताप सिंह। हाँ, बोलो क्या बात है। बात तो लफड़े की है। लफड़े की बात? वो कौन सी लफड़े की बात है भाई? महारानी ने क्या कहा? हाँ, महारानी जी ने पूछा कि मेरे पति का खून किसने किया है, तो कहे कि लफड़े की बात। कहते हैं ना कि चले गए थानेदार अब काहे का डर। फटाफट बता दो। अब तो सही कहता है, आपके मुट्ठी में पूरे कर्मचारी हैं, पूरे सिपाही हैं। सीना तान के बता दो कि महाराज का खून हमने किया है। महारानी जी लेंगे हा? आप यही जानना चाहती है कि महाराज का खून किसने किया है? भला मैं भी तो जानूं कि यहाँ के महाराज का खून किसने किया है। और बेवफा हम बने उनकी हयाजी कथा। और बाप जो चाहे वो मुझको ये दीजे पता। आप जो महारानी जी कहिए, सच पूछो तो महाराज का खून हमने किया है? आपने किया है, लेकिन महाराज का खून क्यों किया? तुम्हें किस चीज की तकलीफ थी? बात क्या है भवानी? इसमें कोई पूछने की बात है? अरे ये समझो
किस तख्त और ताज को पाने के लिए और साथ में ठीक है, तुम्हें ये तख्त और ताज मिल गया है, साथ में मैं भी मिल गई हूँ। लेकिन तुमसे कहना चाहती हूँ ये कि आपने तो गलतियां बहुत की है, लेकिन कहना चाहती हूँ कि आप